सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ पबजी मोबाइल लाइट। तो गेमर्स, कैसे हो आप सभी लोग? तो गेमर्स, आज हम फिर से खेलने वाले हैं और एक पबजी मोबाइल लाइट का ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो। तो गेमर्स, अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना गेमर्स, और देखते रहो गेमर्स, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं इस गेम प्ले वीडियो में बहुत ही ज़्यादा किल, मतलब इतना ज़्यादा किल करने वाले हैं। और अपना जो रैंडम टीममेट्स है सोनू, वो भी कत्ते कमाल, मतलब कत्ते कमाल खेल रहा होता है। तो आप लोग अंत तक देखो यार गेम प्ले। तो यहाँ पे मेरे को एक मतलब बॉट एक्सपेक्टेड हो जाता है जो एनिमी के साथ फाइट कर रहा होता है, तो मैं इसको मार देता हूँ, बॉट को और एनिमी को मैं मार देता हूँ, दो तीन शॉट में नॉक कर देता हूँ। मारता नहीं हूँ, मेरा टीममेट्स मार देता है, एक किल मिलता है। और एक किल मेरे को मिलता नहीं है, पता नहीं यार एक किल कैसे नहीं मिलता है, कहाँ चला जाता है उसका, कौन ले जाता है उसका किल, मतलब बॉट भी लोग अरे हद कर देता है यार, किल नहीं मिलता है। तो यहाँ पे और एक एनिमी स्पेक्टेड हो जाता है, इसको भी हम लोग नॉक कर देते हैं, पता नहीं बॉट होगा शायद, तो इसको मैं पूरा फिनिश कर देता हूँ। तो इसको भी मैंने पूरा फिनिश कर दिया, अभी मेरे को हो गया है दो किल। तो जल्दी जल्दी मैं इसको लूटता हूँ, देखता हूँ इसके पास क्या है, शायद ये एनिमी हो सकता था, पता नहीं, मेरे को बॉट भी हो सकता है। तो चलो, इससे हम लोगों को मिल गया है स्कारेल, तो हम लोग मारेंगे अभी स्कारेल से बहुत सारे बंदे, क्योंकि मेरे पास हो गए हैं दो दो ऑटो गन, अभी ऑटो गन का जादू चलाएंगे। तो चलो, तो यहाँ पे मेरा टीममेट्स कहीं किसी से सोनू मतलब किसी से फाइट कर रहा था। टीममेट्स मतलब रैंडम टीममेट्स है, वैसा मेरा कोई ऐसा टीममेट्स नहीं है, मैं रैंडम मैच लगाया था ये वाला। तो यहाँ पे सोनू भैया क्या कर रहा है, मतलब किसी को पेल रहा होता है। तो यहाँ पे मेरे को एक एनिमी स्पेक्टेट हो जाता है, वो स्पेक्टेट हो जाता है और मेरे मतलब नज़र में आ जाता है। तो इसको मैं पहले सोचता हूँ इसको फिनिश कर लेता हूँ। तो ये एनिमी को मैंने कर दिया है पहले फिनिश्ड, तो यहाँ पे मैं इसको नॉक कर देता हूँ और मैं इसको पूरा फुल किल कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा एमो नहीं है, तो मेरे को इसको लूटना है। तो देखते हैं इसके पास क्या क्या है। तो इसके पास अच्छा लूट मिल जाता है मेरे को, एमो वेमो अच्छा खासा मिल जाता है। तो अभी हम लोग जाएंगे उस साइड और देखेंगे उधर भी कोई भी बंदा है। तो यहाँ पे और एक बंदा आ जाता है, पता नहीं ये कहाँ से आता है। तो मैं इसको दूसरे वाले गन से पूरा एकदम मार देता हूँ, पहले वाले गन से, मतलब पहले वाले गन लोडिंग में चला गया, तो इसलिए मैं दूसरे वाले गन से मार दिया उसको। तो आप लोगों से भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो नेक्स्ट गन यूज़ कर लो तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चलो, हम लोग और भी बहुत सारे बंदे मारने हैं, अभी सिर्फ चार ही किल हुआ है, तो और बहुत ज़्यादा किल करना है हम लोगों को, तो और भी हम लोग बहुत ज़्यादा बंदे मारेंगे। तो जल्दी से हम लोग इस पेटी को लूट लेते हैं। तो इसका पास भाई 6x, मतलब तवाही यार, मेरे को 6x मिल गया, तुम्हारा भाई का 6x स्प्रे तो पता ही होगा कैसा भयंकर है। तो चलो, हम लोग का पास अच्छा खासा लूट हो गया, अभी हम लोग इस 6x को सेटिंग कर लेते हैं अपना स्कोप ऑन करके। तो चलो, हम लोग अभी बहुत सारे बंदे मारेंगे। तो यहाँ पे आ गया, मेरे को एक गाड़ी एक्सपेक्टेड हो गया, मतलब व्हीकल एक्सपेक्टेड हो गया, तो बंदा कहीं पे जा रहा था, तो मैंने इसको थोड़ा सा डैमेज वैमेज देने की कोशिश किया, पर इसको लगा ही नहीं थोड़ा सा भी। तो ये बंदा क्या करता है, तो मेरे सामने आके मेरे को गाड़ी से कुचलना चाहता है, तो मैंने इस पेड़ का सपोर्ट ले लिया और इसको गोल गोल घुमाने लग गया। तो ये जो सोनू है इसको बेचारा को नॉक कर देता है, तो मतलब ये इसका मुँह का सामने जगह खड़ा रहेगा तो इसको थोड़ी छोड़ेगा। तो ये बंदा उसको फुल किल करने आता है, पता नहीं मेरे को ही मारने आता है, तो मेरे को तो ज़्यादा डैमेज लगता नहीं है, तो मेरा गन हो जाता है रीलोडिंग और मैं दूसरे गन से इसको कर देता हूँ नॉक। एक ही बंदा था तो इसको मैं किल भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे सोनू भैया हमको बोल रहे हैं कि मेरे को थोड़ा हेल्प कर दो, तो मैं तो पहले लूटूंगा क्योंकि लूट ज़रूरी है, मैं थोड़ा लूट के इसके बाद सोनू भैया को हम लोग देंगे रिवाइव। तो यहाँ पे मैं एक स्मोक कर देता हूँ, हमेशा याद रखना, जब भी रिवाइव देते हो ओपन एरिया में तो एक स्मोक ज़रूर कर लेना गेमर्स, क्योंकि कहीं से एक स्क्वाड अगर आप लोगों को देख लिया ना, तो मतलब तवाही हो जाएगी, मतलब आप लोगों को मौका नहीं मिलेगा मतलब हिलने डुलने का, और ख़त्म कर देंगे आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, मेरे पास मेडिकेट था तो मैं सोचा पूरा फुल हील कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने फुल हील कर लिया। अभी हम लोग और भी ढेर सारे बंदे मारने वाले हैं, तो चलो और भी हम लोग मारेंगे बहुत सारे बंदे। तो यहाँ पे मेरे को बंदे एक्सपेक्टेड होता है, तो इसको मैं पहले नॉक कर देता हूँ। तो यहाँ पे और एक बॉट एक्सपेक्टेड होता है, तो इस बॉट को भी मैं मार देता हूँ। तो ये बंदा क्या कर रहा था, बॉट को मार रहा, तो मैंने पहले बंदे को मार दिया उसके बाद बॉट को मार दिया। चलो, तुम्हारा भाई क्या हो गया अभी 6 किल। तो हम लोग और भी बहुत सारे किल करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखो गेमर्स।
तो जल्दी जल्दी हम लोग चाहते हैं और भी बंदे मारने हैं। तो यहाँ पे हो गया है रेड जोन, तो मैं सोचा थोड़ा हील कर लेता हूँ। मैं तो डर भी लग रहा है यार, रेड जोन पबजी मोबाइल लाइट में बहुत ही डरावना होता है। जो लोग मतलब रोज खेलते हैं पबजी मोबाइल लाइट, कभी ना कभी यार रेड जोन के शिकार तो कभी ना कभी हो ही जाते हैं। मैं अभी बहुत बार हो चुका हूँ रेड जोन का शिकार, क्योंकि जब मैं कॉन्करर के लिए पुश कर रहा होता था तब मेरे को एक बार 30 माइनस दे दिया रेड जोन ने, मतलब अलग ही। तो यहाँ पे हम लोग गाड़ी लेके बंदों को ढूंढने चले गए, तो यहाँ पे एक ड्रॉप दिखा, तो ड्रॉप पहले से लूटा हुआ था तो मेरे को दिख गया। सोनू भैया को पता नहीं यार क्या दिख रहा था वहाँ पे। यहाँ पे मेरे को एक एनिमी दिख जाता है, तो इसको मैं इजीली मार देता हूँ, पूरा एकदम हेडशॉट दे देता हूँ इसको, और इजीली मैं नॉक करके पूरा फिनिश्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाते हैं 7 किल। तो मतलब ठहरो अभी भाई, यहाँ पे जो फाइट होने वाला है ना, तो अंत तक फाइट को मज़े से देखो, मतलब बहुत ही भयंकर फाइट होने वाला है यहाँ पे। और मेरे को मतलब ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मेरे को, मतलब बंदे लोग जोन के बाहर से फाइट कर रहे हैं, तो सोचो यार। तो अभी फाइट स्टार्ट होगा थोड़ी देर में, तो मतलब दिल थाम के बैठ जाओ यार, चलो हम लोग निकलते हैं। तो मैंने सोचा यहाँ पे कोई बंदा नहीं है, तो हम लोग गाड़ी लेके यहाँ से घूम के मतलब निकल ही रहे थे। तो यहाँ से मैंने गाड़ी को घुमाया, तो यहाँ पे गाड़ी को घुमा के मैं फिर से आ गया यही जगह पे, फिर से मैं आ गया क्योंकि मेरे को यहाँ पे साउंड सुनाई दे रहा था। तो यहाँ पे मेरे को एनिमी का मतलब फायरिंग का साउंड सुनाई दे रहा था, उस टाइम मेरे को दिखा नहीं था। तो यहाँ पे एक एनिमी था, तो इसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया, पर इसको थोड़ा ज़्यादा लगा नहीं। तो मैं सोचा थोड़ा अच्छा सा पोजिशन ले लेता हूँ, किसी अच्छे घर के कवर पर जाके इसको मार देता हूँ, क्योंकि ये ओपन में मतलब पागलों की तरह फायर कर रहा है, तो इसको मैं इजीली मार सकता हूँ। तो मैं ओपन में नहीं रह सकता क्योंकि दूसरे तरफ से मेरे को भी मार सकता है, तो इसलिए मैं घर के कवर पे आ गया। तो घर के कवर पे आके मैंने यहाँ पे अपना लेफ्ट साइड वाला मूव, राइट साइड वाला मूव किया, और मतलब स्कोप इन किया, और ये बंदा को देखो यार, इस बंदे को मैं थोड़ा सा शॉट देता हूँ तो ये बंदे पूरे मतलब किल मिल जाता है। मतलब इसका टीम में सारे मर गए थे तो एक ही बंदा बचा था, तो इसको हमने मार दिया 8 बंदे। तो चलो 8 किल हो गया। तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा लूट के लाया जाए। तो यहाँ पे अपने साथ क्या होता है कि मेरे टीममेट्स को भी कोई बंदा नॉक कर रहा होता, तो इस बंदे को भी मैं मार देता हूँ। तो ये लोग पता नहीं जोन का बाहर से कहाँ से आ रहा था, पता नहीं मेरे को कुछ भी। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ इसको लूटने के लिए, तो इसके मेरे पास देख सकते हो ज़्यादा तो 5 का एमओ है नहीं, लेकिन इस बंदे के पास 7 का एमओ था। तो मैं सोचा यार 5 का एमओ मेरे को चाहिए होगा ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि 5 का एमओ मेरे पास है नहीं। तो मैं सोच रहा था किसी बंदे को यहाँ पे जिसको मारा उससे लूट लूँ। बाद में सोचा यार नहीं, यार जोन का बाहर है, मतलब यार मेरे को जोन में जाना था और चिकन डिनर भी लेना था। तो यहाँ पे मेरा 9 किल हो गया था, तो मैं सोचा मेरे गेम प्ले को, इस गेम प्ले को मतलब मैं ख़राब नहीं करना चाहता अभी, मतलब जोन के बाहर जाके कोई, और से भी रेड जोन गिरा हुआ था उस साइड। तो मैं सोचा चलो यार छोड़ो। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि मैं गाड़ी लेने जाता हूँ तो अपना टीममेट को कर देता है किसी बंदे ने नॉक, और मेरे को भाई नॉक करते करते मैं बच गया। मतलब इस दीवार के वजह से इतना कवर ये दीवार मेरे को दिया ना, मतलब क्या बताऊँ यार, मेरे दोनों टीममेट्स को इन्होंने मतलब नॉक करके एकदम से दे दिया यार, दोनों टीममेट्स को दे दिया। एक तो नूबड़ा था और एक सोनू जो अच्छा खेल रहा था थोड़ा सा, तो उसको भी बहुत ही अच्छा मतलब उसको भी नॉक कर दिया। तो यहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो सोनू को मार देता है पूरा, तो यहाँ पे और एक बंदा आ जाता है, तो मैं इसको रिवाइव दे देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से एक बंदा फ्लैंक करके आ रहा है मेरे पास, तो मैंने देख लिया उसको, एक्सपेक्टेड कर लिया, और इसको मैंने AKM से दे दिया। तो इसको AKM से दिया, इसने भी मेरे को अच्छा खासा डैमेज दिया। तो मैं सोचा थोड़ा हील कर लूँ, ये बंदा तो अकेला ही है, तो इसको देखता हूँ, तो इसको मैं पूरा यहाँ से फुल किल कर देता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई का हो जाता है 10 किल। तो इस बंदे ने यहाँ पे एक स्मोक किया है, तो मैंने सोचा चलो स्मोक का कबर है, तो स्मोक के कबर से हम लोग जोन में जाते हैं, क्योंकि हम जोन के थोड़े से बाहर है। मैं सोचा कोई जोन में जाके अच्छे कवर ले लेते हैं, लेकिन ये बंदे लोग तो जोन में आने का नाम ही नहीं ले रहा था। मेरे को अभी भी पता नहीं है इस बंदे लोग कहाँ पे है, तो यहाँ पे अपना गेम बहुत ही गड़बड़ी हो रहा था। तो मैंने सोचा यार चलो यार कबर पे चलो, ये बंदा मेरे को मार देगा, पता नहीं किधर से मार रहा है। तो यहाँ पे जो अपना जो और एक बंदा है, तो मैं यहाँ पे हील करने लग जाता हूँ, तो अपना जो टीममेट है इसको इसने मार दिया, ये ओपन में भाग रहा था। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, जोन के बाहर से ही फाइट ले रहे हैं। तो मेरे को एक बंदा एक्सपेक्टेड होता है जो जोन के अंदर घुस रहा होता है, तो इसको मैं नॉक कर देता हूँ इजीली। तो और एक बंदा इधर एक्सपेक्टेड हो जाता है, तो जोन का बाहर जाके सो जाता है, तो इसको भी मैं मार देता हूँ। तो यहाँ पे तुम्हारा भाई का हो जाता है 12 किल। तो इनके स्क्वाड को हमने कर दिया है ख़त्म,
क्योंकि साले लोग ने मतलब क्या बोलो यार, ये लोग जोन के बाहर से फाइट लेते हैं यार। इससे मतलब बहुत ही दिक्कत हो जाता है कभी कभी, बहुत बंदे मार भी देते हैं यार जोन के बाहर से, क्योंकि पबजी मोबाइल लाइट में मतलब जब तक लास्ट जोन नहीं बनेगा तब तक ज़्यादा काटता नहीं है जोन, तो इस वजह से कुछ बंदे जोन का बाहर से मतलब अपने आप को मतलब हीरो बनने की कोशिश करता है, लेकिन इसको पता नहीं था कि तू इससे बड़ा हीरो मैं हूँ। तो इसको तो हम इसका स्क्वाड को तो हमने ख़त्म कर दिया, मतलब मैंने ख़त्म कर दिया। और भी बंदे बचा है, और दो बंदे बचा है, इनको भी ख़त्म करके मेरे को चिकन डिनर लेना था। तो मैं सोच रहा था कि इतना मेरे पास 5 का एमओ था ही नहीं, आप देख सकते हो। तो मैं थोड़ा जोन का बाहर जाके थोड़ा सा लूट के आ गया 5 का एमओ, देख सकते हो। जोन ने मेरे को इतना काटा भी नहीं, क्योंकि एकदम लास्ट जोन ही पबजी मोबाइल लाइट में ज़्यादा काटता है। तो और दो ही बंदा बचा है, और दो बंदे को मारने से मेरे को चिकन डिनर मिल सकता था। तो दो बंदे, जो दो रेंडम बंदे मेरे साथ खेल रहे थे, वो लोग भी मेरे को देख रहे हैं, भाई क्या खेल रहे हैं, 12 किल कर दिया बंदे ने। वो लोग सोच रहे थे कि मैं नूव हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि और एक मेरे को एनिमी स्पेक्टेड हो जाता है, तो इस एनिमी को भी मैं मार देता हूँ, 13 किल हो जाता है। तो यहाँ पे एक बंदा मेरे को मतलब दिखता है कि वो गिली सूट पहन के सोया हुआ है, थोड़ा हिलता रहता है, डुलता रहता है, तो मेरे को स्पेक्टेड हो जाता है। तो मैं इसको देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ, लेकिन इसने मेरे को अभी तक नहीं देखा, तो इसलिए मैं इसको पूरा डैमेज देने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको डैमेज दे रहा होता हूँ, तो ये मेरे को देखा ही नहीं, ये तो भाग रहा है, मतलब किधर भाग रहा है पता नहीं। तो यहाँ पे तुम्हारे भाई को मिल जाता है विनर विनर चिकन डिनर फिर से और एक बार। तो मेरा 14 किल है, और मेरा डैमेज दे सकते हो गाइस कि मेरा डैमेज है 1600 डैमेज। तो गेमर्स, वीडियो अगर आपने अभी तक देख लिया है ना, तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कॉमेंट सेक्शन में बताना कि मेरा गेम प्ले कैसा है, मतलब अच्छा है, या मतलब मैं अच्छा खासा खेल लेता हूँ, या मतलब बहुत ही अच्छा खेलता हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में बोलना ज़रूर, क्योंकि मेरे को आप लोग